बैक टू माई चैनल गुड ईट्स विद अनुपमा जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द आइकन तो आज जो हम बनाने वाले हैं, वो है गुजराती डिश हांडवा जो बहुत ज्यादा टेस्टी भी होती है हेल्दी भी है तो आज हम इसकी करते हैं प्रिपरेशन और जल्दी से बनाते हैं हमारा हांडवा तो सबसे पहले यहां पे हम ले रहे हैं आधा लौकी जिसे मैंने छील लिया है और ध्यान रखिए इसके हमें पूरे बीज निकालने हैं और इस लौकी को हम कर लेते हैं कद्दूकस तो यहां हम ले रहे हैं एक कटोरी लौकी एक कटोरी सूजी एक आधा कटोरी दही राई तिल क्रश की हुई अदरक हरी मिर्च नमक हिंग पाउडर लाल मिर्च पाउडर करी लीव्स और लास्ट में हम लेते हैं हमारा इनो तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बाउल ले लेते हैं और बाउल में हम ऐड करते हैं हमारी सूजी एक कटोरी है जो उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारी एक कटोरी लौकी जिसे हमने कद्दूकस किया हुआ है इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं आधा कटोरी दही नमक इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे क्रश किया हुआ अदरक एक टुकड़ा छोटा सा इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारा हींग पाउडर आधा छोटा चम्मच इसके बाद ग्रीन चिली मैंने बारीक काटी हुई है दो ले रही हूं मैं और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं पानी इसमें हम थोड़ी देर बाद डालते हैं इसे हम धीरे से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालिए आप एक साथ नहीं डालना है और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है तो ये हो गया ऑलमोस्ट अच्छे से मिक्स तो लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा लाल मिर्च पाउडर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ऐड करना है या नहीं करना है और इसे अब हम पंद्रह से बीस मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं तो जो हमारी सूजी है वो पानी एब्जॉर्व कर लेगी और हमारा बैटर ऑलमोस्ट हो जाएगा रेडी तो यहां पर हम बैटर को रिस्क करने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए और जब तक यहां पर हम एक पैन ले लेते हैं और हमारे गैस को हम ऑन कर लेते हैं और पैन को गर्म होने के लिए रख देते हैं तो हमारा पैन ऑलमोस्ट हो गया है गर्म तो इसमें हम ऐड करेंगे दो बड़े चम्मच तेल और इस तेल को हमारे पैन में हम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ताकि ये पूरी जगह अच्छे से फैल जाए ये सारी चीजें मुझे तड़के में लगेंगी और इस टाइम पे हमारे जो बैटर है इसमें हम ऐड करेंगे इनो बिल्कुल लास्ट में इसे हम पानी के हेल्प से एक्टिवेट कर लेते हैं और इसे हमारे बैटर में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा तेल भी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है तो इसमें हम ऐड कर देते हैं मस्टर्ड और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे हमारे तिल जो मैं ले रही हूं एक चम्मच इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे करी लीव्स तो ये अच्छे से हो गए मिक्स तो इसे हम पूरे पैन में अच्छे से फैला लेते हैं एक स्पून की हेल्प से हम ये कर लेते हैं और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं हमारा जो बैटर जो हमने बनाया है वो तो इसे अच्छी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पूरे पैन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ये और आप चाहें तो इसे हम स्पून की हेल्प से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए ढाक के रख देंगे और हमारा ये जो हांडवा है वो रेडी हो जाएगा तो चलिए पहले इसे हम लिट से ढाक देते हैं और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं तो 10 मिनट के बाद जो हमारा हांडवा है कुछ इस तरीके से दिखेगा तो चलिए पहले इसे हम चेक कर लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट ऊपर से पक गया है तो सबसे पहले जो इसे हम कॉर्नर से इसे इस तरीके से हटा लेते हैं तो इसे अब हम टर्न करेंगे ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है क्रिस्प गोल्डन ब्राउन कलर तो दूसरी साइड के लिए भी यहाँ पे हम दो बड़े चम्मच तेल ऐड कर देते हैं ताकि दूसरी साइड भी हमारा इसी तरीके से कलर आ जाए तो इसे फिर से हम पांच से दस मिनट के लिए रख देते हैं हमारे हांडवे को रेडी होने के लिए और ये देखिए जो हमारी तिल और जो राई है वो कितने अच्छे से दिख रहे हैं इसमें उसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है तो चलिए इसे फिर से हम रख देते हैं पकने के लिए तो पांच दस मिनट हो गए हैं यहां पर तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं तो ये भी हो गया है ऑलमोस्ट राई और तिल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है इसमें इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है तो इसे भी अब हम दूसरी साइड टर्न कर लेते हैं तो चलिए इसे हम टर्न कर लेते हैं ये देखिए दूसरी साइड भी हमारा हांडी का कलर कुछ ऐसे आया है तो ये भी ऑलमोस्ट हो गया है रेडी तो इसे अब हम एक प्लेट में ले लेते हैं और इसे एक नाइफ की हेल्प से इसे हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं आप भी इस हांडवे की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए आपको बहुत अच्छी लगने वाली है और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी है तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और यमी यमी डिश को खाते रहिए